हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एसक्यूएल व्यू में काउंट फॉर्मूला कैसे यूज करें कि सारी वैल्यूज काउंट हो जाएं, आज इसी के ऊपर पूरा डिस्कशन होने वाला है। तो कहीं मत जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक्सेस में एक टेबल बनाई है मैंने, ठीक है, और इस टेबल में आपको प्रोडक्ट आईडी दिखाई पड़ रही होगी और नेम ऑफ प्रोडक्ट दिखाई पड़ रही है। ऐसे में काउंट फंक्शन सिर्फ काउंट के लिए ही यूज होता है, इससे पहले भी कई वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं ये क्वेरी कैसे लगाएंगे। क्वेरी लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना है, और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ जाना है क्वेरी डिजाइन पर। जैसे ही क्वेरी डिजाइन वाली विंडो ओपन होती है तो यहाँ पर एसक्यूएल नजर आएगा, बस इसी एसक्यूएल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा काउंट, COUNT, इस तरीके से लिखिएगा काउंट। और किसको काउंट करना है, तो हमें काउंट करना है प्रोडक्ट आईडी को। तो यहाँ प्रोडक्ट लिखा, अंडरस्कोर आईडी लगाया, ये हो गया प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी को ही हम काउंट करना चाहते हैं, ये हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और इसका नाम क्या देंगे, एज नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इस तरीके से अंडरस्कोर लगाइएगा जरूर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये इसको नाम दे दिया एज नंबर ऑफ प्रोडक्ट। और फ्रॉम कहाँ से ये आएगा, तो ये आएगा टेबल वन से, तो ये कर दिया टेबल वन। और यहाँ पर दे देंगे टर्मिनेशन देकर के, ये जो टेबल है इसको पहले क्लोज करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ से इसको रन करवाना है, ठीक है। रन करवाते ही देखिए यहाँ पर ये काउंट करके बता रहा है कुल मिला के कितने प्रोडक्ट है, 5। आइए चेक करते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 5 ही प्रोडक्ट हैं या नहीं। तो यहाँ पे काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी प्रोडक्ट हों वो उनको काउंट कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा हूँ, लाइक यहाँ पे 6 करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर अगला भी जो प्रोडक्ट है वो भी काउंट होकर आ जाएगा, ठीक है। वायरलेस कीबोर्ड कर देते हैं, कीबोर्ड, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम जाते हैं अपनी क्वेरी पर, तो इसको क्या करना है, एक बार या तो रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करते ही देखिए ये जो है इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि ये काउंट करके बता रहा है कि ये 6 है, ठीक है। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ये क्वेरी ऑटोमेटिक रन होती जाएगी। आई होप की बात समझ में आ गई होगा आपको।